तो हाँ आई हैव नहीं, मैं यहाँ इस वजह से आई हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में पता है और ये जो काम हो रहा है इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं मैं उनको बहुत बहुत सारे वर्षों से जानती हूँ, उन्होंने इस देश के लिए क्या काम किया है। तो अच्छा होता इलेक्शन में खड़े होते, मैं इनके लिए कैंपेनिंग करती। कुछ और ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और दिया, ये तो ठीक बात है। और इलेक्शन की बात की वो बिल्कुल ठीक है, कैंपेनिंग की बात की वो बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप उनको बहुत टाइम से जानती हैं, लेकिन सवाल कुछ और था। आगे बढ़ते, कैंपेनिंग करती इस देश को कोई अच्छी चीज़ तो मिल जाती। मगर एक चीज़ मेरी हमेशा सीखी है कि जो आप कल्चर में कर सकते हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं कर सकते। मगर मेरी जो दोस्त हैं वो पॉलिटिक्स को कल्चर में बदल देंगी। इन्होंने, इनका मुझे नहीं पता ये कौन है, इन्होंने कहा कि कल्चर को पॉलिटिक्स से नहीं बदल सकते लेकिन जया बच्चन बदल देगी। मतलब वो तो अब मस्का लगाने वाली बात है, लेकिन मुझे ये बताना जया बच्चन किस पार्टी से इलेक्शन जो है वो लड़ती हैं और लड़ने के बाद जीती कब है और क्या अभी भी ये करंटली किसी पार्टी का हिस्सा है और असेंबली के अंदर है या फिर नहीं है, नेशनल असेंबली जो होती है उसमें है या नहीं है, ये क्या सीन है, क्या अपडेट है, बताना। आगे बढ़ते हैं। सर अनुभव थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि आपने ट्विटर पे बहुत सारी बात शेयर की है, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी सर अनुभव कैसा था ये पूरा 42 साल का? 42 साल विवाह का अनुभव, 42 साल की शादी का जो अनुभव है वो बता दें। अब इस तरीके का सवाल कौन लाया यार इधर? अमिताभ बच्चन का रिएक्शन सही था कि इसको कौन लाया, इसको कौन लाया यार इधर? इंशाल्लाह आप कलाकार छोटे कलाकारों को आपकी सबसे बड़ी मेहरबानी है। देखिए राजीव जी की एक तभी तो नहीं, बिल्कुल सही बात है ये जो बात कह रहे हैं। जो आदमी कार में नहीं बैठ सकता उनको इन्होंने कला के जरिए हवाई जहाज में बिठाया। अरे हाउ मैं क्या कहूँ कि इस देश में इतनी काबिलियत है मगर उसको टैप करने वाला कोई नहीं है और हम लोग जो हैं आजकल डिजाइन शायद ये कोई थिएटर के बाहर है, कोई थिएटर जो है वो नया लॉन्च हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, या तो उसके बाहर है या फिर क्या है पता नहीं। अगर तुम्हें पता है तो बताना, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को।